हेलो एवरीवन। सो आज कुछ न्यू कंटेंट लेके आई हूँ, न्यू टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएससी केमिस्ट्री क्वीन। सो फर्स्ट इज़ कि जब हमारा हेयर फॉल होता है, क्यों होता है? बिकॉज हम टेंशन लेते हैं, स्टडी करते हैं, तो दिमाग हमारा जो है वो हेड वाले पोर्शन में होता है, तो हेडेक होने लग जाता है ना, हेयर फॉल होने लग जाता है। उसका क्या सोल्यूशन है? आपको लेना है एक कोकोनट ऑयल एंड एक जॉनसन बेबी ऑयल एंड विटामिन ई कैप्सूल। अगर आप विटामिन ई कैप्सूल स्किप कर सकते हो अगर आप जॉनसन बेबी ले रहे हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी विटामिन ई होता है। तो जैसे जैसे आपको ऊपर बताया गया उतने अमाउंट आप लोगे, एंड आपको करना क्या है, ऐसे मसाज करना है कि आपका स्कैल्प जो है वो रिलैक्स्ड हो जाए, क्योंकि सारा काम जो है वो स्कैल्प ने करना है। स्कैल्प में मसल्स होती हैं जो अटैच होती हैं हमारे ब्रेन के साथ। सेकेंड इज ट्रिक ऑफ अ शैम्पू। क्या होता है, शैम्पू जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन हाई होती है, केमिकली बहुत हाई होता है, जिसके कारण हमारा स्कैल्प जो है वो डैमेज हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उसमें जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उसमें थोड़ी सी 1-2 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करना है, जिससे क्या होता है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो डिल्यूट हो जाती है, एंड आपके जो स्कैल्प है उसको भी एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे हेडेक जो है वो कई हद तक सही हो जाती है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी ट्रिक्स हैं, जिसको आप यूज़ करोगे तो फर्क आपको आराम से नजर आएगा, और साथ के साथ आपका हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट होने लग जाता है। ठीक है, सो ज़रूर ट्राई करिएगा एंड कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि कैसा हम फूड खाएं जिससे हमारी हेयर, स्किन एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो सही रहे। देखिए, हमारी जो डाइट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो आपको अपनी डाइट में एक एप्पल ज़रूर ऐड करना है, वो भी मॉर्निंग टाइम आप खाओगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट के टाइम। एंड इसमें विटामिन ए एंड सी होता है, जो आप खाओगे तो अपने आप आपकी हेल्थ एंड स्किन हेयर्स पे अपने आप नज़र आने लग जाएगा चेंज। तो उसके बाद आपको मैं रिकमेंड करूँगी क्यूकम्बर, जिसे हम खीरा भी बोलते हैं हिंदी में। एक ऐसा ग्रीन वेजिटेबल है जिसको हम एज अ सैलड भी खा सकते हैं, एंड इसमें क्या होता है, इसको खाने से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर रहता है, तो आप हाइड्रेटेड रहोगे, आपका जो है सर्कल, ब्लड सर्कल अच्छा रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, एंड ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। एंड वन मोर टिप इज़ वाटर, आपको मैक्सिमम 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए। सो जहाँ भी आप बैठते हो तो अपने साथ अपने वाटर बॉटल ज़रूर रखें, जहाँ भी जाएँ साथ लेके जाएँ, सो आप हाइड्रेटेड रहें। सो अपने वाटर में आप थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, जैसे मैं करती हूँ। एंड नेक्स्ट टिप्स की, अगर आपके आइस में पफिनेस हो जाती है या स्टडी करते आइस में दर्द होने लग जाता है, तो आपने 2 चम्मच को अपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है, जब वो ठंडे हो जाएंगे, आइस में दर्द हो तो उसको लगा लीजिए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रही, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।